किया गया। बोले इन्वेंशन मींस जो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। इन्वेंशन मींस अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। न्यू बेटा आजकल क्या नया बनता है? या तो नया प्रोडक्ट बनता है या प्रोडक्ट बनाने का नया तरीका बनता है, या तो नया प्रोडक्ट है या नया तरीका है, प्रोसेस है। इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप, इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप। पेटेंट इज टेकन फॉर इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और अ न्यू प्रोसेस। इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप। कुछ आविष्कार आपने किया, इन्वेंटिव स्टेप, ऐसा स्टेप जो पहले कभी यूज नहीं किया गया। Capable of industrial application, capable of, जो भी आपने नया माल प्रोसेस बनाया, it should be capable of industrial application, it should be capable of industrial application, मतलब usable की not usable, usable। इन्होंने एक आविष्कार कर डाला, एक नया रकम का कचड़ा जो पहले कभी ना सुना गया ना सुना गया, नया रकम का कचड़ा। इन्होंने एक रबिश बनाया है, रबिश। क्या रबिश नया प्रोडक्ट है? हाँ, बहुत मेहनत करके, इन्वेंटिव स्टेप करके। हाँ, इट इज नॉट यूजेबल इन इंडस्ट्री, इट इज नॉट केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इफ इट इज नॉट केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, इट इज नॉट एन इन्वेंशन। नया रकम का कचड़ा ले आया, बोलता है इसका पेटेंट। हट, हम सीओपी है, कंट्रोलर ऑफ पेटेंट, भगा देंगे। कि इन्वेंशन नहीं माना जाएगा क्योंकि इट इज नॉट केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। सो इन्वेंशन मीन्स अ न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप। न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस इन्वॉल्विंग एन इन्वेंटिव स्टेप, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ये तीनों फैक्टर अगर क्या हो जाए तो क्या माना जाएगा? इन्वेंशन। और उसके लिए क्या मिल जाएगा? पेटेंट। बट जहां लॉ है वहां एक्सेप्शन है। भले ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई हो गया फिर भी इन्वेंशन नहीं माना जाएगा, फिर भी वो इन्वेंशन। सेक्शन 3 में एक लिस्ट दिया गया है, सेक्शन 3 में एक लिस्ट दिया गया है, व्हाट आर नॉट इन्वेंशन, व्हाट आर, क्या है? नया प्रोडक्ट और प्रोसेस है, इन्वेंटिव स्टेप, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, तो नॉर्मली पेटेंट मिल जाएगा। बट कुछ कुछ चीज इन्वेंशन नहीं माना जाएगा, पेटेंट नहीं मिलेगा। लिस्ट इज मेंशन सेक्शन 3। सेक्शन 3 डील्स विद व्हाट आर नॉट इन्वेंशन, सेक्शन 3 डील्स विद व्हाट आर नॉट, ये सब दोस्तों इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। पेश है सेक्शन 3, व्हाट आर नॉट इन्वेंशंस। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं सेक्शन 3 ऑफ पेटेंट एक्ट 1970 कि क्या क्या चीज इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। भले वो एक नया प्रोडक्ट प्रोसेस है, भले उसमें इन्वेंटिव स्टेप है, भले इट इज केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। नॉर्मली तो इन्वेंशन मान लिया जाता है ना, नॉर्मली इन्वेंशन मान लिया जाता है एक नया प्रोडक्ट और प्रोसेस को विच वॉज मेड यूजिंग एन इन्वेंटिव स्टेप एंड केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। If it is a new product or process involving an inventive step capable of industrial application, it is an invention. But फिर भी section 3 बोलता है भले वो तीनों factors satisfy जो है, हम लोग ये सब चीज को invention नहीं मानेंगे। भले नया product process involving an inventive step capable of industrial application, नहीं मानेंगे ये सब चीज को invention। सर बताइए ना सर, बहुत important question है, ये सब क्या invention नहीं माना जाता? ध्यान से सुनिएगा, क्या invention नहीं माना जाता? Any product that you have invented, if it is frivolous, frivolous का मतलब होता है absurd, anything which is frivolous or absurd, which claims contrary to the well established natural laws, you're claiming something which is against the well established natural laws, you're claiming something against which is well established natural laws, anything which is frivolous, absurd, you're claiming contrary to the well established natural laws, इसको invention नहीं माना जाएगा। सर कैसे? frivolous मतलब absurd, और इंग्लिश समझ में, नॉन सेंस, फ्रिवोलस एब्सर्ड, नॉन सेंस। क्या बात कर रहे हैं आप उल्टा सीधा? मान लो से फॉर एग्जाम्पल हम कंट्रोलर और पेटेंट है, मेरे पास ये इन्वेंटर आ गया टेलीफोन लेकर के, हम ले भाई ग्राहम बेल बहुत साल पहले इन्वेंट कर दिया ये। बोला ये गॉड से बात होता है। ठीक है क्या? बोला नहीं ठीक है, नहीं है, इसमें गॉड से बात होता है, ये एक ऐसा फोन है जिसमें गॉड से बात होता है। बोला ए बात करो मेरे को, हम बात करते हैं। बोला नहीं आप नहीं कर सकते, मेरे माध्यम से ही करना पड़ेगा।
नहीं समझ आया। बोला एक टेलीफोन ले आया, बोला इसमें हम आपका प्रॉब्लम गॉड तक पहुंचाएंगे, ये गॉड तक पहुंचाएगा प्रॉब्लम। नॉनसेंस बात कर दिया है, ये एब्सर्ड बात कर रहा है। फ्रिवोलस मतलब एब्सर्ड, मतलब ही इज क्लेमिंग समथिंग विच इज अगेंस्ट कॉन्ट्ररी टू द विल ऑफ नेचुरल लॉ। विल ऑफ नेचुरल लॉ बोलता है कि हम लोग का गॉड से टेंजिबल बात नहीं हो सकता। नहीं समझाया। और ये बोलता है कि टेंजिबल बात हो सकता है इन्वेंशन, इसको बाहर निकाल, रॉन्ग नंबर है ये। तो फ्रिवोलस मतलब एब्सर्ड, समझ रहा, फ्रिवोलस एब्सर्ड कुछ ये ऐसा बोल रहा है विच इज अगेंस्ट कॉन्ट्ररी टू द विल ऑफ नेचुरल लॉ। कंप्यूटर ले आया एक, तो बोला हमको इसका इन्वेंशन चाहिए। भाई अमेरिका में सबसे पहले आविष्कार हो चुका है, इसका क्या बकवास कर रहा है। बोले ये जादू वाला कंप्यूटर है, इससे दूसरे ग्रह के लोगों से बात होता है। टन 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 मारेंगे बेटा, नहीं हो सकता। ये सब ये नॉनसेंस बात कर रहा है, समझ आया। तो ये सब चीज का इन्वेंशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पेटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ आया। तो एनीथिंग विच इज फ्रिवोलस एब्सर्ड, कुछ लेकर के आ गया प्रोडक्ट, बोला मरा हुआ आदमी को सुनाने से जिंदा हो जाता है। ये सब तो फालतू बात कर रहा है ना, ये सब चीज का पेटेंट नहीं मिलेगा। एनीथिंग विच इज हार्मफुल टू प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, एनवायरमेंट लाइफ, ह्यूमन लाइफ है। आपने एक बहुत ही बड़ा रकम का आइटम बॉम्ब बना दिया है, एटम बॉम्ब। क्या बोलते हैं, आइटम बॉम्ब के एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब, एटम बॉम्ब। आपने एक बहुत ही भारी रकम का जांच करके बोल देते ताकि आपको भी ये पॉइंट याद रहे। नहीं सर, जांच करके नहीं बोले आप, जांच को बोले, जांच को बोले। मेरा पुराना रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें भी ऐसे बोला, सिखा देंगे। तो एक बहुत ही आपने भारी रकम का एटम बम बना दिया, ऐसा एटम बम जो फोड़ते ही पूरा अर्थ खत्म, पूरा अर्थ खत्म। भाई क्या आ गया इसका, क्या ये नया प्रोडक्ट प्रोसेस है, इन्वेंटिव स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। बट भाई इससे तो प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, एनवायरमेंट लाइफ, ह्यूमन लाइफ को डेंजर है। इसका इन्वेंशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, ये सब चीज का पेटेंट नहीं देंगे। पक्का बोलो ना, एडमिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट, बोलो। अरे ठीक से बोलो, थोड़ा इंग्लिश बोलो, थोड़ा इंग्लिश बोलो, एडमिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट। हिंदी में बोलते हैं मिलावट, हिंदी में क्या बोलते हैं, मिलावट, और इंग्लिश में बोलते हैं एडमिक्सचर ऑफ। दो जाना माना प्रोडक्ट को तुमने मिला दिया, इन्वेंशन दो जाना माना प्रोडक्ट को मिला दिया और इन्वेंशन हो जाएगा, नहीं होगा। जैसे जो लोग भवानीपुर कॉलेज में पढ़ते हैं, हाथ उठाओ, या भवानीपुर के आसपास रहते हैं, भवानीपुर कॉलेज, अरे नाइस कॉलेज इट इज, अरे लो अच्छा तारीफ कर रहे तो भी तुमको दिक्कत है। भवानीपुर कॉलेज मेरे भवेरियन, भवरे भवरे भवेरियन, तो हम सुने भवानीपुर कॉलेज या भवानीपुर एरिया के आसपास एक बलवंत सिंह का ढाबा है, वहां पर दूध कोला बहुत फेमस है, दूध कोला। क्या करता है वो, मिल्क लिया, कोका कोला लिया, मिला दिया दूध कोला, और कंट्रोलर ऑफ पेटेंट के पास आ गया, हमने आविष्कार कर दिया। भाई दूध ना तुमने बनाया ना कोका कोला तुमने बनाया, तो आविष्कार क्या चीज का किया। ऐसे तो हम कोई भी चीज में मिला देंगे, कॉफी कोला, ये इन्वेंशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। मतलब क्या तुम लोग भी दूध कोला घर में बना सकते हो, बाहर में स्टॉल लगा करके बेच सकते हो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो एडमिशन ऑफ टू प्रोडक्ट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज इन्वेंशन, एग्जाम्पल दूध कोला, समझ आया, याद रहेगा। न्यू यूज बोलो ऑफ नॉन सब्सटेंस, बोलो न्यू यूज ऑफ, एक जाना माना सब्सटेंस है, नया तरीका से उसको यूज कर लिया तो वो इन्वेंशन नहीं, दैट्स नॉट एन इन्वेंशन। न्यू यूज ऑफ नॉन सब्सटेंस, हाउ कैन इट बी इन्वेंशन, तुम नया तरीके से यूज कर रहे हैं, सब्सटेंस हो भैया है। नहीं समझाया। जैसे हम सुने एग व्हेन पुट, एग योक व्हेन पुट ऑन हेयर मेक्स इट सिल्की, इट्स नॉट दैट आई हैव ट्राइड, आई डोंट वांट टू आल्सो, बट आई हैव हर्ड एग योक व्हेन पुट ऑन हेयर बिकम सिल्की। अबे एग अंडा, अंडा अपने
बालों पे लगाने से सिल्की हो जाता है, क्या बोले मतलब अब लोग क्या क्या करने लगते हैं। अब समझो एक बार, अब ये लड़का क्या किया, थानोस क्या करना चालू कर दिया, ये तो पुराना यूज है, ये वाला हम बालों पे नहीं अपने गालों पे लगाएंगे, गालों पे। ये अपने गालों पे लगा रहा है, क्या इसने एक नया तरीका यूज किया है, तो क्या इसको पेटेंट देते हैं हम लोग इसके लिए, बनवा रहा है। बचपन में चौक, हम तो मतलब बचपन से आज तक लिखे ही हैं, बट कोई कोई बीमारी रहता था चौक खा लेने का, तो क्या उसके लिए उसको पेटेंट देते, न्यू यूज। किसी के घर में मान लो इलेक्ट्रिसिटी का तारवा रहता है, बच्चों को कंट्रोल करने के लिए चौक दिया है, तो क्या हम उसके लिए पेटेंट देते, चौक जिन लोग खाता था हाथ उठाओ, तभी ऐसे हो गए हो, चलो कोई बात नहीं। तो न्यू यूज ऑफ मार्कर ट्राई किए हो, मार्कर ट्राई किए हो, हाँ यू वांट टू ट्राई मार्कर, इसका करीबी है, देखो न्यू यूज ऑफ अ नोन सब्सटेंस, ये इन्वेंशन है कि नहीं है, हाँ चार चीज बता दो, फ्रिवोलस एब्सर्ड हार्मफुल टू प्लांट एनिमल ह्यूमन एनवायरमेंट एडमिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट दूध कोला न्यू यूज ऑफ अ नोन सब्सटेंस, ये सब इन्वेंशन नहीं है। नेक्स्ट होता है मेथड ऑफ एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, मेथड ऑफ एग्रीकल्चर खाने पीने के चीजों के साथ मजाक नहीं, उसका पेटेंट नहीं मिलेगा। मान लो इसने एक नया रकम का एग्रीकल्चरल क्रॉप उगा दिया, प्रोडक्ट उगा दिया, उसका इन्वेंशन नहीं मिलेगा, हम लोग सब इस चीज से वंचित नहीं रहेंगे, हम लोग सब खाएंगे इसको और सब उगाएंगे फिर। नहीं समझ आया, जब पोटैटो टोमेटो होता था, पोटैटो टोमेटो, इसने रोटैटो उगा दिया, रोटैटो बहुत प्रोटीन है उसमें, तो क्या बाद बाकी लोग भी उगा सकते हैं, हाँ ये सब चीज का इन्वेंशन नहीं माना जाएगा। हॉर्टिकल्चर समझ आता है क्या, अरे फूल, अरे तुम लोग को बोल रहे हिंदी वाला, इंग्लिश वाला रह जा, और हिंदी में ये हॉर्टिकल्चर मतलब हिंदी में फूल, अरे फ्लावर, मैंने आविष्कार कर डाला, तेरा भाई ने आविष्कार किया है नया रकम का रेड रोज जिसमें कांटे नहीं है, वो खाली रेड रोज है उसमें कांटे नहीं होते, हाँ तो ठीक है आप लोग भी इसको उगा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर खाने पीने की चीजों के साथ, फ्लावर्स के साथ, आप भी खाने पीने का चीज फ्लावर्स वगैरह उगा सकते हैं, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। मेडिसिन सर्जरीज, बोलो मेडिकल सर्जरीज, बोलो ना मेडिकल सर्जरीज, हम एक नया रकम का ऑपरेशन का आविष्कार कर दिया, तो क्या आप बाद बाकी डॉक्टर लोग कॉपी कर लेंगे उस नया रकम का ऑपरेशन, हाँ हाँ जैसे लेप्रोस्कोपी आया था शुरू में, अरे लेजर के थ्रू ऑपरेशन, तो क्या लेजर के थ्रू ऑपरेशन नहीं करवा सकते बाद बाकी लोग, बोलो आजकल वो आंख का सर्जरी वैसे होता है लेजिक, अरे आंख में पावर फिट कर देता है भाई लोग, डॉक्टर लोग आंख के अंदर ही पावर फिट कर देता है, ना लेंस का दरकार है ना ये ग्लेयर्स का दरकार है, लेजिक बोलते हैं उसको, तो क्या खाली जो डॉक्टर आविष्कार किया वही लेजिक करेगा कि हर हॉस्पिटल में होगा, हर हॉस्पिटल भोजन करवा भी रखे होंगे, हाथ उठाओ लेजिक वाले बच्चे, नहीं क्या गुड, नहीं अच्छा है कि बुरा मेरे को नहीं पता, नहीं समझ आया, वो मेरे को ये पता है मेरी वाइफ करवा रखी है इसलिए हम बता दिए, खुद से जाकर करवा ली, अच्छा है कि बुरा मेरे को नहीं पता, 15-20 साल बाद पूछना। मेडिकल सर्जरीज हो गया, ये सब चीज का इन्वेंशन नहीं माना जाएगा, एग्जाम्पल लेजिक हो गया, लेप्रोस्कोपिक हो गया, यू अंडरस्टैंड। आर्ट वर्क ऑफ आर्ट लिटरेचर का पेटेंट नहीं मिलता, पता है वर्क ऑफ आर्ट लिटरेचर का पेटेंट क्यों नहीं मिलता, कॉपीराइट मिलता है, वर्क ऑफ आर्ट लिटरेचर का पेटेंट क्यों नहीं मिलता, न्यू प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, थानोस ने क्या किया, एक नया रकम का जानवर पैदा किया है, नया रकम का जानवर, क्या हम लोग भी पैदा कर सकते हैं नया रकम का जानवर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, नया रकम का प्लांट एनिमल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, समझ आया, ये सब चीज का पेटेंट मिलने वाला। कंप्यूटर प्रोग्राम, बोलो मुकोल करके, क्योंकि कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, इसका भी पेटेंट नहीं होगा, कॉपीराइट होगा, तो वर्क्स ऑफ आर्ट लिटरेचर कंप्यूटर प्रोग्राम का क्या हो जाएगा, कॉपीराइट। और मेडिसिनल सर्जरी से न्यू प्लांट एनिमल, ये सब का पेटेंट मिलने वाला, तो ये सब चीज इन्वेंशन है कि नहीं है,
अरे 6-7 लिख सकोगे इतना सारा पॉइंट में? अभी तक तो याद किए नहीं हो, तुमने अपना कोई एफर्ट दिया भी तक नहीं। फिर भी देखो आग बंद करो, तुमको 4-5 पॉइंट ऐसे फ्लो करेगा अपने आप। एनीथिंग व्हिच इज एब्सर्ड यानी फ्रिवोलस, हार्मफुल टू प्लांट लाइफ, एनिमल लाइफ, ह्यूमन लाइफ, एनवायरमेंट लाइफ, एडमिक्सर ऑफ टू प्रोडक्ट, न्यू यूज ऑफ नॉन सब्सटेंस, न्यू यूज ऑफ एडमिक्सर ऑफ टू प्रोडक्ट, न्यू यूज ऑफ नॉन सब्सटेंस, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, मेडिसिनल सर्जरी, वर्क ऑफ आर्ट, लिटरेचर, ड्रामा, न्यू प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंप्यूटर प्रोग्राम, या फिर न्यू लॉ, न्यू लॉ जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बचपन में पढ़ते हैं फ्लेमिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, कभी बचपन में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पत्थर पत्थर डाल करके बीकर में खेलता था, बहुत ही मजेदार दिन थे वो सब। नहीं सर ना, फ्लेमिंग का वो लेफ्ट थ्री हैंड रूल जो है ना, थ्री फिंगर रूल, लेफ्ट हैंड रूल बनाना पड़ता था रे बाबा, बहुत दिक्कत होता था। तो मैंने भी ऐसा कोई आविष्कार कर डाला नया लॉ का। एज द टाइम टुवर्ड्स एग्जाम डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस। नहीं समझ आया? एज द टाइम टुवर्ड्स एग्जाम डिक्रीजेस, कंसंट्रेशन ऑफ स्टूडेंट इंक्रीजेस। मैं इसको पेरेंट लूंगा, पेरेंट कोई प्रवचन वगैरह दे करके आप उस प्रवचनों का पेटेंट नहीं ले सकते। बनाया तो ये 9-10 तो है जो सेक्शन 3 बोलता है, इन्वेंशन नहीं। पक्का? अब आज का क्लास आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों।